खबर है वो देश भर में नीट एग्जाम को लेकर हुए गुस्से से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई अब एक्शन मोड में है, जहां बिहार, झारखंड, गुजरात समेत अलग अलग 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। झारखंड के हजारीबाग से नीट पेपर लीक का कनेक्शन भी सामने आया है। वहीं सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में भी जांच को तेज कर दिया है। सीबीआई को शक है कि अब तक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो महज कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबकि पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है वो कोई और है और अभी तक छिपा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक अब तक हुई गिरफ्तारियों का आपस में कनेक्शन हो सकता है और इसी के तहत सीबीआई को बड़ी कामयाबी भी मिली है। पेपर लीक का एपी सेंटर पटना में है। सीबीआई की टीम ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे और ये गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं। मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार, ये वो 2 शख्स हैं जो सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिए हैं। सीबीआई ने आरोपी मनीष को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पूछताछ में कई ऐसी बातें हाथ लगी हैं जो सीबीआई को शक के दायरे में ला रही है। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था और इसी स्कूल में 20 से 25 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें इकट्ठा करके आंसर रटवाए गए, यानी रात भर उन्हें आंसर रटवाए गए। अगले दिन जब एग्जाम देने के लिए आए तो हूबहू वही प्रश्न पत्र सामने आए, यानी कि क्वेश्चन पेपर सामने आया और यहीं से जली हुई बुकलेट के टुकड़े भी बरामद हुए थे। ये जली हुई बुकलेट वही थी जो कि सबूत को मिटाने के लिए जला दी गई। आशुतोष छात्रों के लिए सेफ हाउस की व्यवस्था कर रहा था और मनीष प्रकाश वहां पर अभ्यर्थियों को लर्न प्रेस स्कूल में ले जाता था। जानकारी ऐसी मिल रही है कि मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम किया करता था। वहीं आशुतोष के घर पर छात्रों को रुकवाने की व्यवस्था भी की जाती थी। तो ये दोनों ही कनेक्शन ऐसे सीबीआई के हाथों लगे हैं जो इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि सीबीआई ऐसा मान रही है कि ये जो महज अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लोगों तक सीबीआई की टीम पहुंची है, ये महज कॉन्ट्रैक्टर हैं। साथ ही साथ इन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही पेपर लीक करवाया गया, ये जो पूरी कहानी है वो गढ़ी गई। अब ऐसे में मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के जो 2 मोहरे हैं, इनके जरिए सीबीआई की ये कोशिश रहेगी कि अब जो मुख्य साजिशकर्ता है, यानी कि मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का है, उस तक सीबीआई की टीम पहुंचे। ये जो नाम इर्द गिर्द आप देख रहे हैं घूमते हुए, ये अब तक के ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नीट पेपर एग्जाम मामले में धांधली को लेकर सामने आ रहे हैं। 29 लोगों पर एक्शन हो चुका है, 27 गिरफ्तारियां पहले से भी सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां मनीष प्रकाश और आशुतोष के नाम पर कर दी हैं, यानी अब तक 29 पर एक्शन हो चुका है। और यही वो चेहरे हैं, आशुतोष हुआ, मनीष प्रकाश हुआ, सिकंदर यादवेदू, याद होगा आपको फूफा ने सेटिंग करा दी है, ये वही सिकंदर है। मुकेश, बिट्टू, चिंटू, ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जो अभी तक इन्वॉल्वमेंट इनका सामने आ रहा है। अमित आनंद भी एक वो शख्स है जिसके जरिए पेपर की सेटिंग कराई गई और ये जो चेहरे हैं इनके इर्द गिर्द ही ये पूरा जाल बुना हुआ नजर आ रहा है। और सीबीआई का शक ये है कि ये तो महज मोहरे हैं, यानी कि ये तो महज कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके जरिए इस धांधली में अपना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लेकिन कोई और है जो इन सबके ऊपर है और वो मुख्य साजिशकर्ता जिस तक पहुंचने की सीबीआई कोशिश कर रही है। इन सभी नामों के जरिए, इन सभी चेहरों के जरिए पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद में उन मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश भी होगी। नीट पर विपक्ष भी अब हमलावर है और विपक्ष जो कई सवाल पूछ रहा है, अब तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं और राहुल गांधी का ये कहना है कि नीट पर हमें एक सार्थक बहस चाहिए, सार्थक चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नीट पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और ये वो छात्र हैं जो देश का भविष्य हैं। राहुल गांधी ने कहा देश के भविष्य के लिए, यानी कि छात्रों के भविष्य के लिए एक चर्चा जरूरी है। लेकिन आज हमने देखा सदन की कार्यवाही यहां शुरू हुई, उधर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसी हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक और फिर अब सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जबकि राहुल गांधी ने कहा था नीट पर हम चर्चा चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह शांति से हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत और गर्मा रही है और राहुल गांधी के इस बयान के जो मायने हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। विपक्ष शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि धांधली बढ़ी हुई है। राहुल गांधी को सुनिए। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए।
और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ओपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने यह बयान तब दिया था जब सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी और शांतिपूर्ण बहस वो चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाई। सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों में जांच का जो दायरा है बढ़ रहा है, 6 राज्यों से कनेक्शन और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से मेरे संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में विकास श्रीवास्तव है मुंबई से, दिल्ली से जावेद हुसैन है, पटना का हाल बताएंगे शक्ति कुमार, जयेश सोनी जो कि गुजरात के अहमदाबाद से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जावेद हुसैन, मैं आपका रुख कर रही हूँ। 27 गिरफ्तारियां पहले हुई, सीबीआई ने 2 और गिरफ्तारियां आप कर ली हैं, 29 पर शिकंजा कसता हुआ, लेकिन सीबीआई को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये महज मोहरे हैं, कोई मुख्य साजिशकर्ता, कोई मास्टरमाइंड कोई और है? जी देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से मुकेश और चिंटू को पहले ही सीबीआई रिमांड पे ले चुकी है और 27 जून यानी कि गुरुवार के दिन सीबीआई ने सबसे पहली गिरफ्तारी की थी बिहार झारखंड के नीट और यूजी पेपर लीक स्कैम मामले में, जिसमें आशुतोष और मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये आप बिल्कुल सही है, जो जांच एजेंसी का ये मानना है कि अभी कई मेन कड़ी बाकी, क्योंकि एक रॉकी नाम के शख्स का नाम सामने आया है जो कि रांची में एक रेस्टोरेंट चलाता है और इसी रेस्टोरेंट में वो अपने जो पूरे स्कैम को, जो लोगों से सेटिंग और कैंडिडेट की मीटिंग का जो एक पूरा प्रोसेस था वही उसी रेस्टोरेंट में करता था। वो अपने होटल में सिर्फ रेस्टोरेंट में सिर्फ हिसाब किताब के लिए आता था, जो सीबीआई की जांच में अभी सामने आया है। इसके अलावा संजीव मुखिया के बारे में ये बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया इस पूरे नीट स्कैम का, जो पेपर लीक का मामला, इसमें वो यहाँ बिहार के बाहर यानी कि नेपाल फरार हो सकता है, यानी कि वो नेपाल में इस वक्त हो सकता है, क्योंकि रॉकी का जो इस वक्त का लोकेशन है वो नेपाल है। तो एजेंसी ये मान रही, क्योंकि यू जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके जांच में भी ये सामने आया था कि रॉकी का नाम सामने आया था, लेकिन जब ये सीबीआई को ये जांच जो टेक ओवर किया सीबीआई ने, और सीबीआई ने जब अपनी जांच को आगे बढ़ाया और कड़ी दर कड़ी जब खुलता गया, तो इसमें रॉकी, संजीव मुखिया, चिंटू, आशुतोष, मनीष प्रकाश, उसके बाद हजारीबाग का जो ओसीसी स्कूल का जो कनेक्शन है बिहार से, ये बिल्कुल मेल खाता आया। तो अब जो रॉकी है वो भी एक मेन करी, क्योंकि रॉकी नीट के एग्जाम के दौरान, यानी कि उससे पहले जब यानी ये अलग अलग पहलू जो सीबीआई की जांच में सामने आ रहे हैं और ये अलग अलग मोहरे हैं जो कि इस पूरे पेपर लीक में कनेक्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं। गुजरात से क्या कनेक्शन है, गोधरा का नाम सामने आया था, बिहार के पटना से कैसे साजिश रची गई, झारखंड के हजारीबाग का भी जिक्र यहाँ पर आया। मैं शक्ति आपका रुख कर रही हूँ, चूंकि सीबीआई ने जांच अपने जिम्मे ले ली है, 27 गिरफ्तारियां पहले हुई, फिर सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की मनीष प्रकाश के तौर पर और फिर आशुतोष, 2 गिरफ्तारियां सीबीआई अब तक कर चुकी है, मोहरे हैं क्या सिर्फ ये सभी चेहरे और नाम जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, और मास्टरमाइंड अगर कोई है तो कौन? सीबीआई क्या इंडिकेशन दे रही है कुछ?